हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज है 8th ऑफ अक्टूबर, और जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे भाई की शादी है, तो बस उसी के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और शादी जो है वो है 9th ऑफ अक्टूबर की, और आज जो है वो 8th ऑफ अक्टूबर। तो मेरी जो थी वो थी नाइट शिफ्ट, और नाइट शिफ्ट करने के बाद रेडी होके हम लोग जो ऑलमोस्ट शाम के 4:30-5 का टाइम हो गया था निकलते निकलते, क्योंकि कुछ काम थे जो मुझे करने थे, कुछ सूट थे जिनकी फ़िटिंग ठीक करवानी थी, और वरुष्का के सैंडल लेने थे। तो वो सारी चीज़ें करके अब हम लोग फाइनली जो है वो रास्ते में निकल चुके हैं। तो वो पहले बता देती हूँ जा कौन कौन रहा है। मैं, मम्मी, वरुष्का और मेरा भाई रजत, हम चारों लोग जा रहे हैं। पापा को छुट्टी नहीं मिली, आप लोगों को पता है फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें पापा जो हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है मेरे पापा की। और विक्की जो है वो आएंगे कल यानी शादी वाले दिन, और आज है डीजे नाइट, तो हम लोग जा रहे हैं आज के दिन। रखा है गुस्से में हो रखी है, आए नहीं अभी तक। मैंने अभी ना बताई है मौसी का, सबकी ना वो जीदी क्या कहोगे। अच्छा, मौसी का फोन आया था, बोली कहा मौसी हम तो घर पे ही हैं। बोली घर पे हो, कहा बोली आए नहीं, मगर नहीं हम तो कल आऊंगे सुबह सुबह। बोले अच्छा, फिर गुस्से में फोन काट दिया। बोली मैंने खाना बना रखा, अभी बताई ना है कि हम आने लग रहे हैं रास्ते में। बना रखा भैया का खा लेंगे, और नहीं तो पैक करके दे देना हमारा। मन तो पहले ही नहीं कोई थी था, तो माई वक्त तो चल लेंगे। रज्जू ने लेट करे, मैंने लेट दे रहा भाई रज्जू ने, अब मैंने कम लेट करे। अच्छे नाइट ड्यूटी करके आते चलनी पड़ी मैं, रहने दे थोड़े मारूंगी। अरे मम्मी आई ना गए 10 बजे, मेरा श्याम ने क्या कहकर सोई थी मम्मी, मैं 9 बजे सूती उठ लूंगी। और तो नाम से जब आपने चाय पी, मैंने चाय नहीं पी आपके साथ। और वो मन्ना तो बहुत देख के उठी थी मत है। तो हुआ क्या, रास्ते में हम लोग जा रहे थे, मौसी का फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग जो है वो आज आ रहे हो या नहीं आ रहे, और मैंने मना कर दिया मजाक मजाक में। तो वो गुस्सा हो गई क्योंकि हमने अभी तक बताया नहीं था कि हम लोग किस दिन आने वाले हैं, कुछ फिक्स नहीं था। मेरी छुट्टी सेंक्शन होने के ऊपर था कि मुझे कितने दिन का ऑफ मिलता है, अगर मुझे 2 दिन का ऑफ मिलता तो हम लोग 9th को ही निकलते, लेकिन मुझे 3 दिन का ऑफ मिल गया था, बहुत मुश्किल से मिला, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। तो हमारा 8th को जो है, मतलब ऑफ क्या था, 8th को नाइट ड्यूटी करने के बाद जो ऑफ कंसिडर होता है एक वो था, और 2 दिन की छुट्टी मैंने जो है वो अप्लाई करी थी, तो वो मिल गई थी फाइनली, और इसलिए जो है हम लोग 8th को निकल गए थे शाम के टाइम। और मौसी जो है वो इस बात पे गुस्सा हो रही थी कि हम लोग अभी तक आए नहीं है, मम्मी कह रही थी कि हम लोगों ने लेट करवा दिया। तो बस यहाँ पे वही डिस्कशन हो रहा है, और थोड़ी देर में हम लोग जो है आधे पौने घंटे बाद पहुँच जाएंगे। शादी जो है वो सोनीपत में है, तो दिल्ली से जाने में क्योंकि बॉर्डर सील थे तो थोड़ा टाइम लगने वाला था, घूम के जाना पड़ा था, अंदर वाला रास्ता था वहाँ से पूरा घूम घूम के जा रहे थे। तो बस अब निकल चुके हैं, और आज जो है वहाँ पर है डीजे नाइट, और रात मतलब दिन का जो खाना है वो है फैमिली के लिए। रोड बना रखे इस तरह थोड़ी है, हाँ तो कच्चे रोड होते होंगे, कच्चे रोड पे फिर कोई निकलता हुआ तभी होती होगी लूट। तो ये वाला जो रूट है ना, ये नहर है एक, उस नहर के पास की सड़क है। तो मम्मी के ये बिल्कुल मायके के पास ही है, तो मम्मी बताती है कि जब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, यानी सड़क वगैरह इतनी पक्की नहीं थी, और लोग इतना इस रूट को यूज़ नहीं करते थे, तो जब भी कोई यहाँ से जाता था, कोई बारात या कुछ भी ऐसे कोई भी इंसान इसको क्रॉस करता था, तो यहाँ पर ना काफ़ी लूट होती थी। तो उस टाइम का मम्मी बता रही कि कैसे कैसे क्या क्या होता था, कितना साफ पानी होता था, लोग जो है इसी पानी को पीते थे, अभी जो है थोड़ा गंदा हो रखा है। तो वही सारी चीज़ें मम्मी बता रही है कि उस टाइम पे क्या होता था और अब क्या होता है। और अब मैं आपसे मिलूंगी डायरेक्टली वहां पहुंच के। यहाँ पे हो चुकी है डीजे नाइट शुरू, और यहाँ पे जो है मेरी मम्मी, मेरी मौसी
दोनों मौसी जो हैं वो मेरी मम्मी जो हैं वो चार बहनें, एक बड़ी मौसी हैं वो तो अंदर बैठी हुई थी, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और यहाँ पे हैं मेरी दोनों बड़ी जो मौसी हैं सेकंड नंबर और थर्ड नंबर वाली वो, और मेरी मम्मी और मेरी जो मौसी हैं उनकी बेटियों की सास, सब लोगों ने दामन पहना हुआ है, ऊपर कुर्ता पहना हुआ है और चुन्नी ली हुई है, तो सब लोग जो है अपना फुल मस्ती कर रहे हैं। कॉपीराइट की वजह से मुझे यहाँ पे गाने जो है वो म्यूट करने पड़ गए, लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि सब लोग इतने मज़े से ना इंजॉय कर रहे हैं, अपना ट्रेडिशनल फुल ऑन ट्रेडिशनल फीलिंग आ रही थी। ये दामन होता है, जिसको नहीं पता कि ये हरियाणा का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, जैसे राजस्थान की अलग होती है, पंजाब की अलग होती है, वैसे ही हरियाणा में जो होता है वो दामन होता है, ऊपर कुर्ता होता है और सितारों वाली चुन्नी होती है, तो वही सब यहाँ पे पहन के इंजॉय कर रहे हैं। बीच में हमारे सुरेश मौसा जी और साइड में है मेरी मौसी की जेठानी की बेटी जो पिंक कलर के सूट में है, तो ऑलमोस्ट घर की जितने भी लेडीज़ थी वो सब लेडीज़ जो हैं दामन कुर्ता पहन के खूब डांस किया, खूब डांस किया, कम से कम 1.5-2 घंटे। ऑब्वियसली पूरी क्लिप यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं कर सकती, और मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि गाना जो है वो पीछे नहीं बज रहा, बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, लेकिन अगर मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दिया तो यूट्यूब वाले जो है वो डंडा करके खड़े हो जाएंगे कि बेटा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है म्यूज़िक को म्यूट कर दिया है। आगे जो है वो मेरा डांस भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना वॉइस चेंज करने की कोशिश की है, आई होप वहाँ पे मैंने थोड़ा रिस्क लिया है कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए और या टिक ना आए, जो भी होता है। मुझे ज़्यादा टेक्निकल नहीं पता यूट्यूब के बारे में, बस मैं व्लॉग बना देती हूँ यार, लेकिन मुझे ना अभी मैंने सच बताऊँ इतना ज़्यादा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ। कोशिश करती रहती हूँ रोज़ रोज़ चीज़ें टाइम निकाल के कुछ ना कुछ सीखने की नया, लेकिन जितना मेरे से होता है मैं एडिटिंग उतनी अच्छी करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे हैं बीच में हमारे ब्लैक जैकेट में कुलदीप मौसा जी, वो भी डांस कर रहे हैं, और ब्राउन कलर के कुर्ते में जो थी वो थी मेरी सिस्टर की सास, वो भी डांस कर रही हैं, और यहाँ पे है मेरा भाई रजत और शक्ति मेरी मौसी का बेटा, यानी कि ये भी मेरा ही भाई हुआ, तो हम तीनों डांस कर रहे हैं यहाँ पे। कॉपीराइट की वजह से मैंने फिर जो है म्यूज़िक जो है वो स्लो कर दिया, तो अभी आपको ज़्यादा क्राउड इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है डीजे नाइट की, और जैसे जैसे रात होती जाएगी आप देखना आस पड़ोस से इतने लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, और जो डीजे है वो इतना डांस किया हम लोगों ने डीजे के ऊपर, हद से ज़्यादा। साथ में है रेड कलर के सूट में बबली दीदी, और उधर जो है पिंक जो ब्लू कलर के लहंगे में है उनका नाम भी बबली है, और ये भी मेरी सिस्टर है, तो यहाँ पे हम सारे भाई बहन और फैमिली वाले, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है लोग आ रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए जो डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और आई होप आप लोगों के व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये डांस की अगर आपको वीडियो देखनी है म्यूज़िक के साथ तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है शीतल तोमर 1213, तो वहाँ पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। रिव क्लिप